अगर हम आप बात करें कैपेसिटर सीरीज में या पैलर में और क्या काम कर रहा है थर्मिस्टर सबसे बड़ा गेम। अच्छा चलो एक और चीज पूछनी है जो मैं अभी से सुबह से नहीं पूछ पाया, बताओ सुबह किन किन ने रिकॉर्डिंग की यहाँ पर सुबह? चलो ठीक सबने की यहाँ पर। और दूसरा बता रहे किन किन ने अब तक एसएमडी ही छुई बताइए, एक मिनट खड़े हो जाओ प्लीज। एसएमडी जिन्होंने छुनी पहली बार कितनी बार रिकॉर्ड किया नंबर बताओ? पांच बार चार बार बताओ रिवो हमने एसएमडी नहीं छुई फर्स्ट टाइम एक बार इंग्लिश गोल्डन ताली बजाओ आप। देखो न्यू जनरेशन के हैं नए पहली बार एसएमडी छुई ये बहुत बड़ी किस्मत है तकदीर तुम्हारी कि तुम पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहे हो परफेक्ट कर रही हो। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि हम 3-4 साल से रिवॉल्व कर रहे हैं कहीं स्ट्रेंथ फूल रही है तो कहीं कुछ हो रहा है आईसी डैमेज हो रहा है या हमारा ट्रैक कट रहा है या हमारा बॉल निकल जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है किस्मत इसको पूरा भुनाओ यहाँ बैठ के। किन किन को लगता है कि हाँ तो सीख के जाएंगे बताइए आप। चलिए कल हमने ताली से शुरुआत की थी और ये क्लास भी ताली से खत्म करेंगे। बिना कंपोनेंट के नॉलेज के और बिना मल्टीमीटर के नॉलेज के हम कोई भी इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। जी सर ठीक है जब तक कंपोनेंट का नॉलेज नहीं होगा जब तक हम सर्किट को रिपेयर नहीं कर सकते। तो आपको नॉलेज किस लेवल का मिला है आपको? डीप लेवल का नॉलेज मिला है सर और थर्मिस्टर तो ऐसे कोई ऐसा यूट्यूब वाला नॉलेज दिया है क्या आपको? नो सर बता जो यूट्यूब देवरतन सर ने हमारे कंपोनेंट्स के बारे में बताया एकदम डीपली अंदर तक समझाया कि किसके प्रॉब्लम से क्या प्रॉब्लम होता है। देव सर के सर कंपोनेंट की थी क्लास जिसमें रजिस्टर कैपेसिटर थर्मिस्टर सब उसने सिखाया सर ने और कैसे चेक करते लो वोल्टेज हाई वोल्टेज सब सिखाया। देव सर ने जो आपको कंपोनेंट 1 की क्लास थी आज आपको दी कैसी लगी ओवरऑल? बहुत अच्छी लगी सर। डीप में नॉलेज मिला आपको? नॉलेज मिला सर। बाय प्रैक्टिकल मिला? बाय प्रैक्टिकल मिला। तो खाली फर्स्ट टाइम किया और इसके पहले करते थे आप? नो सर पहली बार किया। यस सर पहली बार में काम हुआ आपसे? जी सर। कितनी बार करी आप? पांच बार करी जी। तो देवरतन सर ने बहुत बढ़िया समझाया सर सब समझ में आया ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल था हमारा प्रैक्टिकल था देवरत्न सर के साथ हुई। हाँ उन्होंने डीप में जाके पूरा कंपोनेंट के बारे में बताया क्या है क्या नहीं। उसके बाद आप प्रैक्टिकल बताया पूरा पहचान बताया क्या है कहाँ से है कहाँ से नहीं है पूरे टू जेड का। आपने काम की नहीं कभी नहीं फर्स्ट टाइम किया आपने? यस सर। एसएमडी आज तक कभी पकड़ा ही नहीं था सर। अच्छा तो आज रिकॉल कितनी बार किया सर? 4 चार बार। तो ऐसा संभव है कि आप फर्स्ट टाइम डायरेक्ट रिकॉलिंग कर रहे हैं? लोग 10-10 साल हो जाते हैं 10-10 साल मैंने सर अभी किया है तो सर तो एक दिन में ये सब संभव है क्या सर? एक दिन में भी क्या आपको 8-12 4 घंटे 3.5 घंटे 3 घंटे दिए थे मैंने? यहाँ तो सर संभव है। संभव है बात करो कंपोनेंट की। हाँ सर कंपोनेंट में सर देव सर से क्लास हुई है देव सर की तो वहाँ पर सर वो 0 से डीपली पूरा लोग समझाए हैं वहाँ पर 5 मिनट में हो जाती है। कोई चाइना में तो नहीं समझाते ना यहाँ पे हिंदी में ही समझाते हैं समझ में आता है? बहुत अच्छा चलिए ठीक है। और उसके बाद देव सर से कंपोनेंट की क्लास हुई पूरी। कैसी रही क्लास आपकी? बहुत अच्छी उनकी रही मतलब हल्का फुल्का समझाया यूट्यूब वाला समझाया कि पूरा डिटेल पे समझाया पूरा एंडलेस से थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1
तो ये हमारी इवनिंग की क्लास, तो ये कंपोनेंट आज हमारी कंपोनेंट की क्लास हुई, फर्स्ट डे की क्लास। तो क्या कर रहे हैं अभी हम? अरे हम चेक कर कंपोनेंट चेक कर रहे हैं। यस सर। कंपोनेंट पहचान में आ रहा है? यस सर। कैसी रही पहले दिन की क्लास आज? आज बहुत मजे में। समझ में आ रहा है सारा कुछ? यस। प्रैक्टिकल मिल रहा है? यस सर, फुल प्रैक्टिकल मिल रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हो? कंपोनेंट्स रजिस्टर चेक कर रहे हैं सर। रजिस्टर चेक कर रहे हो? यस सर। कैसी रही पहले दिन की क्लास? एकदम अच्छा, बढ़िया। समझ में आ रहा है? एकदम। ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं? रजिस्टर चेक कर रहे हैं। आज हमारी किसकी क्लास थी, पहले दिन की क्लास? पहले दिन। कैसी रही आज हमारी कंपोनेंट की क्लास? बहुत बढ़िया। इधर देखा करिए, कैसी रही क्लास हमारी? बढ़िया सर। समझ में आ रहा है? सर सब समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल मिल रहा है? सर प्रैक्टिकल मिल रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हो? सर रजिस्टर चेक कर रहा है, क्योंकि अभी हमारी कंप्लेंट क्लास भी बाकी है, कल भी कंप्लेंट की क्लास है। तो ओवरऑल आज की क्लास कैसी रही? बहुत अच्छी थी। समझ में आ रहा है सब कुछ? सर बहुत समझ में आ रहा है। पढ़ाने का तरीका कैसा रहा? बहुत अच्छा है सर। ओके ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं सर? कंप्लेंट चेक कर रहे हैं। कंप्लेंट चेक कर रहे हैं। चेकिंग में कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है? अभी क्लियर हो रहा है? जी जी। कैसी रही आज पहले दिन की क्लास? बहुत अच्छी। पहले दिन की क्लास हुई है आज, फिर अभी डे बाई डे होगी, डे बाई डे आएंगे और पूछेंगे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी? कंपोनेंट चेक कर रहे हैं। कंपोनेंट चेक कर रहे हैं। कैसी रही आज पहले दिन की क्लास? बहुत अच्छी। समझ में आ रहा है सब कुछ? प्रैक्टिकल मिल रहा है सब? ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? रजिस्टर की वैल्यू निकाल पा रहे हैं? हाँ। वैल्यू निकाल पा रहे हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? वैल्यू निकाल रहे हैं रजिस्टर की। तो रजिस्टर पहचान पा रहे हैं? जी सर। एच बी आ रहे हैं कि एल बी आ रहे हैं, वो देख करके बता, चेक करके बता पाएंगे? जी सर। ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? रजिस्टर चेक कर रहे हैं। आज हमारे रजिस्टर और कैपेसिटर की क्लास हुई है, कैसी रही क्लास? समझ में आ रहा है सब कुछ? जी सर। क्या कर रहे हैं भैया? रजिस्टर पहचान पा रहे हैं? उसकी वैल्यू निकाल लेंगे? एच बी आर है, एल बी आर है, बता पाएंगे? बता पाएंगे। रजिस्टर के जो भी देख करके बता पाएंगे कौन सा रजिस्टर है? ठीक है। क्या कर रहे हैं भैया? रजिस्टर चेक कर रहे हैं भैया। रजिस्टर पहचान पा रहे हैं भैया? सब सब बढ़िया। कैसी रही आज की क्लास? बढ़िया रही। समझ में आ रहा सब कुछ? सब समझ में। चलिए ठीक। क्या कर रहे हैं भैया? सर रजिस्टर चेक कर रहे हैं। रजिस्टर चेक कर रहे हैं। पहचान पा रहे हैं भी? पहले दिन की कंप्लेंट क्लास हुई है, अभी कल भी आपकी कंप्लेंट की क्लास रहेगी। ऑलमोस्ट कैसी रही पहले दिन क्लास? सर पहले दिन क्लास बहुत बढ़िया रही। समझ में आ रहा है? अच्छा समझाया देवव्रत सर ने जी, बहुत बढ़िया समझ में आया। अभी हम इसका LBR और HBR देख करके पहचान जाएंगे जी सर, मतलब चेक करना पड़ेगा। चेक करके पता लगा। कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हैं? रजिस्टर चेक कर रहे हैं। तो पहले दिन क्लास कैसी रही? ओवरऑल बढ़िया रही सर। समझ में आ रहा सब कुछ? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं भैया? क्या कर रहे हैं? कैपेसिटर चेक कर रहे हैं जी। तो कंप्लेंट की कैसी रही फर्स्ट डे की क्लास? सर अच्छी थी। सुबह से रिबॉलिंग किया? कितनी बार कर दिया? 10 बार कर दिया। चलिए ठीक है, कंटिन्यू। गर्मी लग रहा है। क्या कर रहे हैं? रजिस्टर। अच्छा, कोई भी रजिस्टर देख के पहचान जाएंगे? उसकी वैल्यू पता कर लेंगे? जी सर। मॉर्निंग की क्लास में आपने ऐसी रिबॉलिंग की? जी सर। कितनी बार कर दिया? दस बार कर, झूठ तो नहीं बोल रहे? जी सर। चलिए ठीक। क्या कर रहे हैं अभी आप? रजिस्टर चेक कर रहे हैं। कैसी रही पहले दिन की क्लास? अच्छी रही। अच्छी रही। तो ओवरऑल सुबह आपने ऐसी रिबॉलिंग की? हाँ। कितनी बार की? सात बार की। सच बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हैं? रजिस्टर चेक कर रहा हूँ। रजिस्टर चेक कर रहे हैं। पहचान आ रहा है? बिल्कुल सर। वैल्यू निकाल पा रहे हैं? हाँ। इसकी वैल्यू बता देंगे? वैल्यू बताइए जो आप चेक कर रहे हैं, क्या वैल्यू? वैल्यू सर इसमें 58 ओम्स। 58 ओम्स है कि क्या है, क्लियर बताइए। अच्छा हाँ, 58, 200 रुपये रखा आपने। हाँ, 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 हाँ। तो 58 ओम्स क्लियर है। हाँ, देख करके पहचान रहे अभी? हाँ सर। अभी ये के में होता तो पता कर पाते? 58 के का है कि नहीं? 5.8 के, सब वैल्यू बता लेंगे। यस सर। कैसी रही ऑलमोस्ट पहले दिन क्लास? बहुत अच्छी रही। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। सुबह एसी का भी किया था। अरे बॉलिंग किया था? हाँ, 10 बार किया था। 10 बार? झूठ बोल रहा है? नहीं सर, 5 बार तो EMC बनाया, 5 बार पावर बनाई की थी सर को मैंने। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। सर ने मेरे को बोल दिया रहने से। आप क्या कर रहे हैं? सर रजिस्टर चेक कर रहा हूँ।
मतलब वही 10K का अप्रोक्सीमेट 10K चलेगा सर। नहीं 9, अब जो वैल्यू है एक्चुअल 9.7 9700 ओम्स, ठीक है, 9.97 ओम्स 9700, ठीक है। क्या कर रहे हैं सर? रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। पहचान पा रहे हैं? जी सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर रजिस्टर चेक कर रहे हैं। रजिस्टर पहचान पा रहे हैं अभी? जी सर। चेकिंग आ जाएगी? यस सर। HBR है, LBR है? जी सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं सर? वो रजिस्टेंस का पावर चेक कर रहा हूँ सर। चलिए एक बार चेक करके बताइए जो आपने अभी चेक किया था, और उसकी वैल्यू बताइए। बताइए क्या वैल्यू? 9.6 या 5K है सर। तो उसकी वैल्यू बताइए क्या होगी? 9.6K की वैल्यू बताइए। HBR है सर। HBR है, इसकी वैल्यू कितना है, कितने ओम्स का है? K में है ना सर? 9.7K है, तो कितना होगा ये, कितना वैल्यू? 9000। हाँ 9700 ओम्स, कितने ओम्स हो जाएंगे? 9700। क्लियर हो जाएगा? अब पहचान पाएंगे रजिस्टर हाई वैल्यू HBR है, LBR है? चलिए ठीक है। क्या कर रहे हो? रेजिस्टेंस चेक। पहचान में आ रही है? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं सर? रजिस्टर चेक। चेक कर पा रहे हैं? बिल्कुल सर। पहचान में आ रहा है? बिल्कुल। HBR है, LBR है, बता लेंगे? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हो अभी आप? चेक कर पा रहे हैं? हाँ सर। चलिए ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? रजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। सुबह आपने क्या किया था मॉर्निंग की क्लास में? MMC रिवॉल्विंग किया था। कितनी बार कर दिया? 5 बार। 5 बार किया था। अभी फर्स्ट डे की क्लास कैसी रही? देव सर की क्लास बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा सारा कुछ? सारा कुछ आ रहा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो ये हमारी फर्स्ट दिन की क्लास थी, सुबह ICU रिवॉल्विंग की क्लास थी। अभी कॉम्प्लेंट की क्लास खत्म नहीं हुई, कल भी कॉम्प्लेंट क्लास रहेगी। अभी आपने जैसा देखा सारे स्टूडेंट कॉम्प्लेंट की चेकिंग पहचान कर रहे हैं यहाँ पे। हम ऐसे डे बाई डे इनसे मिलते रहेंगे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे। और थैंक यू। हमारे साथ है 28 फरवरी की बैच। यस सर। हो कि नहीं हो भाई? यस सर। कौन कौन है तेरा? हाथ खड़ा करके बताओ। सब हो? सर। ठीक है, अभी टाइम क्या हो रहा है? 9:30। सवेरे क्लास कब थी हमारी? 8 बजे। सच बोल रहे हो? आठ बजे तो नाश्ता करने का टाइम होता, घर में उठने का टाइम होता, 8 बजे कैसे क्लास आ जाओगे? अरे आज कितनी बजे आए आप? 8 बजे। नेट 8 बजे है? 7:45 को 8 बजे क्लास चालू हो गई थी हमारी। यस सर। और अभी बज रहा 9:30। यस सर। अगर 2-4 घंटे किसी स्टूडेंट को पढ़ना हो तो ऐसे ट्रिक काम आना चाहिए? नहीं सर। नहीं आना चाहिए? नहीं सर। और आज अगर ऐसा बच्चा अगर आ जाता है तो कब चले जाएगा वापिस रिटर्न यहाँ से? पहले दिन चले जाएगा। वापस से कोई जाएगा क्या? नहीं सर। बताओ मेरे को कोई जाने वाला होता है? नहीं जाओगे? नहीं आए हो ना? यस सर। 30 दिन किसके, हमारे की तुम्हारे? आपके। हमारे 30 दिन है? यस सर। चलो ठीक है, ये बताओ क्या क्लास थी आज हमारी? मॉर्निंग मॉर्निंग की, फिर दोपहर की, और फिर शाम की। ठीक है, तो पहली क्लास कौन सी थी हमारी? ICU रिबोलिंग। किसने किसने ICU रिबोलिंग? सबने किया सर। कोई ऐसा बंदा जिसने नहीं की हो? सबने करी। कितनी बार करी तुमने? 4 बार। तुमने कितनी बार करी? 5 बार। पांच बार। आपने? आपने 5 बार। आपने? 5 बार। आपने? 6 बार। पीछे? 9 बार। थोड़ा इधर सामने आओ। कितनी बार करी आपने? 9 बार। 9 बार? ईमानदारी से बोल रहे हैं? अच्छा, इसके पहले कर पाते थे क्या आप रिबोलिंग? तो पहले दिन में क्या करते हैं? हमारे पास जादू की छड़ी है क्या? नहीं सर। है जादू वादू करा क्या? नहीं सर। क्लास में कुछ बोल के पिलाया तुमको क्या? नहीं सर। कोई आनंद जादूगर आया था क्या यहाँ? नहीं सर। फिर एक दिन में इतना कैसे? टेक्निक। ये फील्ड ट्रिक पे चलती है सर, है ना? ट्रिक पे चलती है। यस सर। सर ना, अगर ट्रिक है आपके पास तो कोई भी काम आसान कर सकते हो आप। यस सर। यस सर। समझे सर। दोपहर में किसके साथ क्लास थी आपकी? देव सर, देवरतन अग्रवाल, एशिया टेलीकॉम के CEO मिस्टर देवरतन अग्रवाल, जिनको आपने वीडियो में देखा था। yes, लाइव देखते हुए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। yes, तो जैसा नाम सुना था वैसा मिला कि नहीं मिला? yes, मिला। yes, कंपोनेंट को किस किस लेवल तक बताया? बताओ मेरे को। डीप में बताया ना? डीप में समझ में आया कि नहीं आया?
किस लेवल तक, मतलब उसके अंदर क्या प्रोटोकॉल होते हैं, एक जीरो ओम के रजिस्टर के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, हाई वैल्यू का क्या प्रोटोकॉल होता है, लो वैल्यू का क्या होता है ना। आपको साथ में कैपेसिटर भी बता पढ़ा है ना आपको, कंपोनेंट वन की क्लास है ना आज आपकी, टू की कब है, कल कल और क्लास है कंपोनेंट की, ठीक है। अब ये बताइए कैसा रहा भाई आज का क्लास आपका? बढ़िया रहा आज कंपोनेंट की, पहले रिबॉलिंग का, रिबॉलिंग था तो सुबह रिबॉलिंग किया, फिर तो लाइव प्रैक्टिकल किया कि नहीं रिबॉलिंग में? हाँ, मैं खाली तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी क्लास नहीं नहीं सबने किया, कोई ऐसा बच्चा बच्चा जिसने नहीं किया, सब आए, सबने किया, सबने किया। अच्छा, और उसके बाद दोपहर में किसकी क्लास थी आपके साथ? देव सर के साथ कंपोनेंट की थी क्लास, जिसमें रजिस्टर कैपेसिटर थर्मिस्टर सब उसने सिखाया सर ने, और कैसे चेक करते लो वोल्टेज हाई वोल्टेज सब। उसके बाद फिर कहाँ थी क्लास आपकी? फिर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्लास थी, प्रैक्टिकल क्लास में, प्रैक्टिकल क्लास में ऐसी कोई सी चीज जो आपसे छुट्टी हो? नहीं नहीं, सब ऐसा कोई बच्चा जो एक रजिस्टर का मान नहीं निकाल सकता हो, रजिस्टर को पहचान नहीं सकता हो, रजिस्टर का क्या काम है ये नहीं समझता हो, सबने किया, ऑल क्लियर है? तुम्हारा ही नहीं, पूरी क्लास की बात, पूरी क्लास सबसे पूछूंगा मैं, है ना? ओके, तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, ओवरऑल आज दिन भर का रिव्यू लूंगा आपसे, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए क्या क्लास थी आज हमारी? सुबह आईसीरी बॉलिंग की थी, बाद में देव सर के साथ थी, कंपोनेंट की, इधर बाद में प्रैक्टिकल क्लास, प्रैक्टिकल मिला आपको? मिला सर। देव सर ने जो आपको कंपोनेंट वन की क्लास थी आज आपको दी, कैसी लगी ओवरऑल? बहुत अच्छी लगी सर, डीप में नॉलेज मिला, नॉलेज मिला सर, बाय प्रैक्टिकल मिला, बाय प्रैक्टिकल मिला। तो खाली रजिस्टर को पहचानने? बिल्कुल सर। कोड रजिस्टर को? यस सर। फ्यूज को? यस सर। नॉर्मल रजिस्टर को? यस सर। एलवीआर को? यस सर। एचवीआर को? यस सर। कितनी देर में पहचान लोगे? दो मिनट सर। दो मिनट, मल्टीमीटर में रीडिंग की बात करूँ तो? बिल्कुल सब चेक करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, आ गया ये। यस सर जी, क्या क्लास थी आज हमारी? सर आज हमने आईसी रिवॉल्व किया सबसे पहले सर, फर्स्ट टाइम किया, और इसके पहले करते थे आप? नो सर, पहली बार किया। यस सर, पहली बार में काम हुआ आपसे? जी सर। कितनी बार करी? पांच बार करी जी। तो किसी ने हेल्प करी है, खुद आपने सेल्फ करी? पहली बार अपने आप लगाया। कैसी ट्रिक लगी आप? बहुत बढ़िया लगी। और बात करूँ कंपोनेंट की दोपहर की, तो किनके साथ क्लास थी आपकी? वो सर देव रतन सर के साथ थी। देव रतन सर, उन्होंने बहुत बढ़िया समझाया सर, सब समझ में आया। ठीक है, उसके बाद सर प्रैक्टिकल था हमारा, प्रैक्टिकल था सर, उसमें सब समझ में आया, कंपोनेंट कैसे क्या होता है सब। दबाव में रिव्यू तो नहीं दे रहे हो ना? नो सर, कोई बिरयानी का ऑफर तो नहीं कर रहा? नो सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, आ गया ये। जी सर, हमारा क्लास सबसे पहले था आईसी रिवॉल का, बेहतरीन गए, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर लेवल तक आपने बताया, और जो मैंने वो ट्रिक सबसे बेहतर चीज आपने बताया। फिर उसके साथ देवरत्न सर के साथ हुई, उन्होंने डीप में जाके पूरा कंपोनेंट के बारे में बताया क्या है क्या नहीं, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल बताया, पूरा पूरा पहचान बताया क्या है कहाँ से नहीं है, पूरे टू जेड तक। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए क्या क्लास थी आज हमारी? सर सबसे पहले हम लोगों ने आईसी रिवॉल्विंग किया, फिर आपका दोपहर में सर देवरतन सर ने हमारे कंपोनेंट्स के बारे में बताया, एकदम डीपली अंदर तक समझाया कि किसके प्रॉब्लम से क्या प्रॉब्लम होता है। फिर थर्ड फिर हम लोग आगे प्रैक्टिकल लैब में आके प्रैक्टिकल किए, जिसमें पूरा एक डिग्री सब करके समझ के दिया। तो अभी मैं बात करूँ रिबॉलिंग की, जो आपने एक फर्स्ट रिबॉलिंग, आपकी फर्स्ट रिबॉलिंग की क्लास थी आज, कल सेकंड रिबॉलिंग की क्लास, फर्स्ट रिबॉलिंग के क्लास में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नो सर, है ना? कंपोनेंट की क्लास में देव सर के साथ थी सर, वो तो बहुत बढ़िया समझाया एकदम डीपली, डीपली। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल किया, उसमें कोई दिक्कत? नो सर। मैं कोई भी रजिस्टर का वैल्यू निकालना चाहो, निकालने का बोलो तो निकाल दोगे? निकाल दूंगा, वो चाहे लो वैल्यू हो चाहे हाई वैल्यू हो। जी सर। आपने निकाली? बिल्कुल। थर्मिस्टर ढूंढ के निकाल सकते हो? जी सर। किसी भी में से? जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, आ गया ये, बताइए क्या क्लास थी हमारी? सर सुबह रिवॉल्विंग का काम, सॉरी रिवॉल्विंग का कार्य मतलब काम हुआ है सर। तो हम लोग तो अभी फ्रेशर थे, फर्स्ट टाइम, अभी कुछ जानते नहीं थे। इसके पहले कुछ भी आपने काम किए? नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम किया। यस सर। एसएमडी आज तक कभी पकड़ा ही नहीं था सर। अच्छा, तो आज रिवॉल्व कितनी बार किया सर? फोर, चार बार। तो ऐसा संभव है कि आप फर्स्ट टाइम डायरेक्ट रिवॉल्विंग कर रहे हैं? लोग दस दस साल हो जाते हैं, दस साल अभी किया है तो सर, तो एक दिन में ये सब संभव है क्या सर? एक दिन में भी क्या आपको 8 से 12 3 घंटे दिए थे मैंने? यहाँ तो सर संभव है, संभव है। बात करूँ कंपोनेंट की? हाँ सर, कंपोनेंट में सर देव सर से क्लास हुई है देव सर की, तो वहाँ पर सर वो
जीरो से डीपली पूरा लोग समझाए वहाँ पर। सुबह में आईसी रिबॉलिंग की थी, आईसी रिबॉलिंग की समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सर, खाली तुम्हारी बात नहीं कर रहा, पूरी क्लास की बात। नहीं नहीं सर, सबको समझ में आ गया। नहीं नहीं सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। ठीक है, उसके बाद किसके साथ क्लास की आपकी? देव सर के साथ थी। देव सर के साथ क्लास की आपकी? क्या क्लास थी आपकी? कंपोनेंट की थी सर। कंपोनेंट में सब डीप में समझ में आ गया, समझ में आया। प्रैक्टिकल था सर, इधर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकल में सब समझ में आया सर, सब समझ में आया। कोई सा भी रजिस्टर देंगे, सब रजिस्टर देंगे, सब मिलेगा, आप निकाल लोगे बिल? निकाल लोगे सर, मल्टीमीटर से? मल्टीमीटर से सर। ठीक है, सारे प्रोटोकॉल आपको मालूम है? मालूम है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए जी। सर आज हमारी फर्स्ट डे कंपोनेंट्स की क्लास थी, फर्स्ट हमने पहली बार आईसी रिवॉल्व करी है। फर्स्ट टाइम की आपने? यस सर। एक बार थोड़ा सा रिपीट करो, फर्स्ट टाइम की आपने? यस सर, मैंने फर्स्ट टाइम रिवॉल्व कराया सर। आज मैंने पांच बार आईसी बनाई है। पांच बार आईसी बनाई है, कल भी यही काम करोगे आप? जी सर। ठीक है, कैसा लग रहा है आप? सर आज बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं मिला यहाँ पे। अच्छा, फिर क्या क्लास थी आपकी? फिर समर हमारी कंपोनेंट्स की क्लास थी, कंपोनेंट की क्लास। वो कंपोनेंट एक अपने आप में एक बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, बिना कंपोनेंट के नॉलेज के और बिना मल्टीमीटर के नॉलेज के हम कोई भी इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। जी सर। ठीक है, जब तक कंपोनेंट का नॉलेज नहीं होगा, जब तक हम सर्किट को रिपेयर नहीं कर सकते। तो आपको नॉलेज किस लेवल का मिला है आपको? सर बहुत डीप लेवल का नॉलेज मिला है सर, और थर्मिस्टर तो ऐसे कोई ऐसा यूट्यूब वाला नॉलेज दिया है क्या आपको? नो सर। मतलब जो यूट्यूब में दे रहे हो आपको वैसा नॉलेज मिला है क्या? नो सर, प्रैक्टिकल हुआ ना सारा चीज, प्रैक्टिकल। और सर पहली बार थर्मिस्टर ढूंढना सिखाया है किसी भी बोर्ड पर। 10 साल के टेक्नीशियन थर्मिस्टर नहीं ढूंढ पाते, उनको आइडेंटिटी नहीं मालूम होती है। जी है ना, स्केमेटिक डायग्राम में इधर उधर ढूंढा करते हैं, उसके बाद भी मिलते नहीं है उनको। जी सर, तो आप बोर्ड देख के ही पहचान लेंगे थर्मिस्टर कहाँ पे लगा। अच्छा, या ये भी आपको मालूम है कि थर्मिस्टर कहाँ कहाँ होते हैं? जी सर, मुझे पता चल चुका है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए क्या क्लास थी आज हमारी? सुबह EMC रिपेयर किया। हाँ, फिर दोपहर में आप कर पाए कि नहीं कर पाए? हाँ कर पाए, इसके पहले भी करता था लेकिन पौना पौना घंटा लगता था एक ऐसी गरीब। अच्छा, तो अभी क्या कंडीशन है आपकी? अभी 5 मिनट में होंगे। 5 मिनट में हो जाती है? कोई चाइना में तो नहीं समझाते ना, यहाँ पे हिंदी में ही समझाते हैं, बहुत समझ में आता है। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। और उसके बाद देव सर से कंपोनेंट की क्लास हुई पूरी। कैसी रही क्लास आपकी? बहुत अच्छी उनकी रही, मतलब हल्का फुल्का समझाया, यूट्यूब वाला समझाया कि पूरा डिटेल पे पूरा एंडलेस? हाँ, ये सारी चीज़ें कंटेंट हमको यूट्यूब पे मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। अच्छा, कल्पना कर सकते हो कि देवरतन अग्रवाल सर के अलावा कोई दूसरा इतना डीप में प्रैक्टिकल दे सकता है आपको, बहुत सारे नॉलेज दे सकता है? बहुत सारे वीडियो देखे लेकिन देव सर का इतना डीप नॉलेज कोई भी नहीं देता। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर किसके साथ क्लास थी आपकी यहाँ? प्रैक्टिकल क्लास थी एमडी सर के साथ। हाँ, प्रैक्टिकल क्लास थी। प्रैक्टिकल क्लास में क्या हुआ ये बताइए आप? जिस भाषा में ये लड़के समझते उन उस भाषा में उन्होंने समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, हर कंपोनेंट का नॉलेज दिया। तो अभी कोई तुम्हारे अलावा भी किसी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? मतलब अगर कंपोनेंट को ट्रेसिंग करने में, ढूंढने में, पहचानने में, या फिर उसको मैं बात करूँ वैल्यू निकालने की, बात करूँ थर्मिस्टर को सर्च करने की? आराम से निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो सब लड़कों की गारंटी को आप क्यों ले रहे हो? नहीं सब लड़का अभी मेरे ऊपर से बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके ऊपर से बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए। सुबह की एमएमसी की क्लास थी। उसमें क्या हुआ? एमएमसी क्लास आपने कितनी बार रिवॉल्व करी? छह बार रिवॉल्व करी। इसके पहले करते थे आप? नहीं सर। नहीं करते थे? नहीं। तो फर्स्ट टाइम किया आपने? जी सर। आपने 6 बार करके दिखाई आपने? जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। फिर उसके साथ किसके साथ क्लास थी आपकी? देवरतन के साथ। देवरतन अग्रवाल सर के साथ में आपकी क्लास थी। क्या क्लास थी? कंपोनेंट की। कंपोनेंट 1 की क्लास थी आपकी। कंपोनेंट सारे समझ में आया आपको? जी सर। उसके बाद फिर क्या था? प्रैक्टिकल हुआ आपका? प्रैक्टिकल में कौन सी कोई सी चीज़ें जो आपसे छुटी हो? कुछ नहीं छुट्टी। कुछ नहीं छुट्टी। कोई सा भी अगर रजिस्टर कैपेसिटर दे दे तो निकाल लेंगे आप? सब कुछ निकाल लेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए क्या क्लास थी भाई आज हमारी? सवेरे आज सुबह एमएमसी की क्लास थी आईसी बनाने की। मैंने क्लास में रूरल भी का। हां, तो फिर मैं एमडी सर से कंपोनेंट भी होती क्लास थी। तो सारा सब कुछ समझ में आया आपको? यस सर। अभी कंपोनेंट उतारने करने में निकालने में कोई दिक्कत है आपको क्या? मतलब प्रेसिंग करने में कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखिए गाइस, टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा, है ना, 10 बज गए हैं, बच्चों ने खाना नहीं खाया है, इनके मुंह लटके हुए हैं, है ना, और दिन भर से इनके जीवन में इतनी मेहनत नहीं करी है जितनी मेहनत इन्होंने आज करी है। ईमानदारी से बताओ इतना कभी जीवन में करा था आपने? करा था क्या? नो सर। आज पहली बार करा ना? यस सर। अब ये करते रहना है? यस सर। है ना, ये सारा का करते ही रहना है। ठीक है, ओवरऑल कोई दिक्कत आपको? नो सर। रजिस्टर चेक करने में, थर्मिस्टर चेक करने में? नो सर। स्टूडेंट है जी, बताइए।
सर आज सुबह हमारी ईएमएमसी की और रिबोलिंग की आईसी रिबोलिंग की क्लास थी जी। फिर दोपहर में देवरतन सर के साथ थ्योरिकल और कंपोनेंट्स के डीपली नॉलेज की क्लास थी। ठीक है। उसके बाद जो दोपहर को हमने थ्योरिकल सीखा वो शाम को हमने अभी प्रैक्टिकल किया और अभी तक कर रहे हैं। अच्छा। सुबह 7:30 से लेके अभी तक 12 घंटे का सभी इंस्टीट्यूट बोलते हैं, लेकिन यहाँ बेफिक्र जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ाया जाता है। अच्छा। कोई ऐसा बच्चा, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी को रिवॉल्विंग में दिक्कत हो और मैंने क्लास आगे बढ़ा दी हो, कंपोनेंट समझ में नहीं आया, मैंने सच बोल रहा हूँ ना? यस सर। चलिए ठीक है, कैसी रही ओवरऑल क्लास आपकी? ओके सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए ठीक है, मैं देखो सबका रिव्यू नहीं ले सकता है ना, तो मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कंपोनेंट में बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए सर। रिवॉल्विंग में दिक्कत नो सर। रिवॉल्विंग की कल भी क्लास है आपकी? यस सर। है ना, रिवॉल्विंग 2 की क्लास है और कल कंपोनेंट की क्लास है। यस सर। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। थैंक यू सर।